नमस्कार दोस्तों, मैं नमन जांगे, डिपटॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं NPCI के दो प्रोडक्ट्स यानी कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस एंड NFS नेशनल फाइनेंशियल स्विच। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हमने NPCI को डिस्कस किया था, उसके बारे में जाना था। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो NPCI के प्रोडक्ट्स हैं वो हम पार्ट्स वाइज डिस्कस करेंगे, तो उनमें से जो दो प्रोडक्ट्स हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस एंड नेशनल फाइनेंशियल स्विच। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, NACH के बारे में जानते हैं। NACH हमें क्या बोलता है? NACH इज ए सेंट्रलाइज सिस्टम डेट हेल्प्स कॉरपोरेशन टू एफिशिएंटली मैनेज लार्ज वॉल्यूम कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। NACH एक ऐसा सेंट्रलाइज सिस्टम है जो कि कॉरपोरेशन की हेल्प करता है मैनेज करने में क्या, लार्ज वॉल्यूम कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि मैं आपको अगर उदाहरण के तौर पर बताऊं, तो मान लीजिए कि अगर आपके अकाउंट से हर साल क्रेडिट कार्ड बिल्स डिडक्ट किए जा रहे हैं या आपके अकाउंट में हर माह सैलरी को क्रेडिट किया जा रहा है, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, वो एक फिक्स टाइम पर हो रहा है जो कि रिपीटेड इंटरवल्स में हो रहा है, तो वो किसकी मदद से हो पा रहा है? नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। अब आप दोबारा से गौर कीजिए डेफिनेशन पर। NACH इज़ ए सेंट्रलाइज सिस्टम डेट हेल्प्स कॉरपोरेशंस टू एफिशिएंटली मैनेज लार्ज वॉल्यूम कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ लिखा है कि डेट हेल्प्स कॉरपोरेशन टू एफिशिएंटली मैनेज लार्ज वॉल्यूम कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। लार्ज वॉल्यूम और जो कलेक्शंस होती हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उनको मैनेज करने में मदद करता है कॉरपोरेशन की। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, कोई भी बिल है, जैसे कि मैंने यहाँ लिख भी रखा है, कलेक्शंस लाइक यूटिलिटी बिल्स हैं, क्रेडिट कार्ड बिल्स हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम्स हैं, या कोई भी फीस है, या कोई भी सैलरी आपके अकाउंट में मान लीजिए क्रेडिट की जानी है या सब्सिडी दी जानी है, तो ये सब लार्ज वॉल्यूम पर होता है, क्योंकि कॉरपोरेशन के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो अलग अलग से सबके अकाउंट में अलग अलग को मतलब या डिस्ट्रीब्यूशन हो यानी कि सैलरी हो वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, या बिल्स जो उन्हें कलेक्ट करना है वो बिल्स को कलेक्ट कर पाए। तो ये एक लार्ज वॉल्यूम कलेक्शन है जो ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाती है, किसकी मदद से? नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस की मदद से। तो आइए देखते हैं कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस काम कैसे करता है। हमने ये तो जाना है कि ये लार्ज वॉल्यूम कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को एफिशिएंटली मैनेज करता है, लेकिन मैनेज कैसे करता है वो अब हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कस्टमर हैं, आप कस्टमर हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? NACH मैंडेट यानी कि एक तरह से फॉर्म होता है जो जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, तो NACH मैंडेट को आप कॉरपोरेट को देंगे। कॉरपोरेट क्या करेगा कि उसकी वेरीफाई करने के बाद कॉरपोरेट बैंक में उसको फॉरवर्ड कर देगा, यानी कि जो जो भी उसका बैंक है उस बैंक में उसको फॉरवर्ड कर देगा, और कॉरपोरेट बैंक जो है उसको शेयर करेगा NPCI के साथ। अब कॉरपोरेट जो बैंक है वो NPCI के साथ क्यों शेयर करेगा? क्योंकि जो NACH है यानी कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस है, वो किसके अंडर काम करता है? वो किसका प्रोडक्ट है? NPCI का प्रोडक्ट है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है, जो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है, जो NACH मैंडेट में कस्टमर ने फिल की है और जिसने कस्टमर ने हैंड ओवर किया था कॉरपोरेट को, यानी कि जिसके थ्रू, यानी कि जिसके थ्रू उसके बिल्स जो हैं डिडक्ट होने हैं या सैलरी उसको क्रेडिट की जानी है, तो वो उसके साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करेगा, और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने कॉरपोरेट बैंक में रखेगा, और जो कॉरपोरेट बैंक्स हैं वो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे NPCI के साथ। क्यों शेयर करेंगे? क्योंकि जो NPCI है फर्दर कस्टमर बैंक्स को इन्फॉर्म करेगा, उससे कांटेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो जानना चाहता है कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन मिली है वो सही है या नहीं, टू सीक अप्रूवल, और कस्टमर बैंक से वो अप्रूवल मांगेगा। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सही है और वो कस्टमर बैंक से अप्रूवल भी मिल जाती है, तो कॉरपोरेट ऑथराइज्ड हो जाते हैं क्या करने के लिए? टू कलेक्ट फंड्स
फ्रॉम द कस्टमर अकाउंट, आपके अकाउंट से फंड्स को कलेक्ट करने के लिए, यानी कि बिल्स को डिडक्ट करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, यानी कि सैलरी को आपके अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए। तो ये एक छोटी सी प्रोसीजर है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि कस्टमर जो है, यानी कि आप है मान लीजिए, वो आप NACH मैंडेट को फिल करेंगे, फिर आप वो कॉरपोरेट को कॉरपोरेट के साथ शेयर करेंगे और कॉरपोरेट अपने उसको वेरीफाई करने के बाद अपने बैंक में शेयर करेगा और फिर NPCI को देगा। NPCI अप्रूवल के लिए कस्टमर बैंक को कॉन्टैक्ट करेगा, अगर कस्टमर बैंक अप्रूव कर देते हैं तो उसके बाद कॉरपोरेट जो है ऑथराइज्ड हो जाते हैं टू कलेक्ट फंड्स फ्रॉम द कस्टमर अकाउंट। तो ये जो है छोटा सा प्रोसीजर है NACH का। और मैं आपको बता दूँ कि जो NACH है वो रिप्लेस्ड किया गया था ECS से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस से, यानी कि जो NACH है, NACH से पहले यही काम कौन करता था, ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, लेकिन उसमें कुछ खामियां थी जिसके कारण NACH को उससे रिप्लेस करवाना पड़ा। और जो जो कि NACH है वो काम करता है NPCI के अंडर। तो ECS में क्या खामियां थी कि जो NACH को रिप्लेस करना पड़ा था ECS से। देखिए ECS के बारे में अगर मैं बोलूं तो वो एक थोड़ा सा स्लो प्रोसेस था, यानी कि मान लीजिए अगर आप एप्लीकेशन को फिल कर रहे हैं, एप्लीकेशन देते हैं, तो उसमें 30 दिन तक का टाइम लग जाता था उस एप्लीकेशन को एक्टिवेट होने में। और अगर हम बात करें NACH की तो वो टाइम लेता है सिर्फ 10 दिन। और ECS में एक और खामी थी कि वो रीजनल वाइज काम करता था, और जो NACH है वो कंट्री वाइज यानी कि एक नेशन वाइज काम करता है, यानी कि पूरे देश में एक ही सिस्टम है, लेकिन ECS जो है वो रीजनल वाइज काम करता था। तो ये कुछ खामी थी ECS में, इसलिए ECS को रिप्लेस किया गया था NACH से। और ध्यान रखने वाली बात है कि NACH जो है NPCI के अंडर काम करता है, और ये तो ओबियस है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम NPCI के ही प्रोडक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो ओबियस है कि वो NPCI के ही देख रेख में या उसके अंडर काम करेगा। तो ये था NACH के बारे में। तो चलिए अब जान लेते हैं कि चलिए अब डिस्कस करते हैं नेशनल फाइनेंशियल स्विच को। देखिए नेशनल फाइनेंशियल स्विच एक ऐसा प्लेटफॉर्म या एक ऐसी बॉडी है जो कि हमारे देश में जितने भी ATMs हैं उनको इंटरकनेक्ट करता है, ताकि आम जनता के लिए बैंकिंग को ईजी किया जा सके। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, टू इंटर कनेक्ट द ATMs इन कंट्री एंड फैसिलिटेट ईजी बैंकिंग फॉर कॉमन मैन। देखिए नेशनल फाइनेंशियल स्विच को सबसे पहले जो डेवलप किया था, वो डेवलप किया था इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी IDRBT, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। सॉरी मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है। और NFS को, नेशनल फाइनेंशियल स्विच को डेवलप किया था इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी ने, जिसको बाद में NPCI को हैंडओवर कर दिया गया था। IDRBT से हैंडओवर कर दिया गया किसको, NPCI को, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को हैंडओवर कर दिया। कब? ऑन 14 दिसंबर 2009। अब जो NFS है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच है, वो किसके अंडर काम करता है, वो काम करता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर। और जैसा कि आपको बता दिया गया है कि नेशनल फाइनेंशियल स्विच आखिर है क्या, ये क्या करता है, ये इंटरकनेक्ट करता है जितने भी हमारे देश में ATMs हैं, ताकि जो बैंकिंग है वो आम आदमी के लिए आसान बनाई जा सके। तो आइए देखते हैं कि आखिर NFS के थ्रू हम क्या एक्सेस कर पा रहे हैं। देखिए NFS के थ्रू जो बेसिक ट्रांजेक्शन है उसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं, यानी कि हम कैश विड्रॉल कर सकते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ATM से आप कैश निकाल कर लाते हैं तो कैश विड्रॉल होता है, आप बैलेंस की इंक्वायरी को प्राप्त कर सकते हैं, आप पिन चेंज कर सकते हैं, आप मिनी स्टेटमेंट ले सकते हैं। तो ये कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो कि NFS आपको प्रोवाइड कर रहा है। और कुछ वैल्यू एडिड सर्विसेज ही हैं जिसको हम बोलते हैं VAS।
तो वैल्यू एडिड सर्विसेज में क्या क्या आता है आइए देखते हैं। देखिए इंटरऑपरेबल कैश डिपॉजिट ICD। इंटरऑपरेबल कैश डिपॉजिट क्या है कि कुछ मशीन्स होते हैं जिसके थ्रू हम उन मशीन्स के थ्रू हम अपना कैश डिपॉजिट भी कर पाते हैं। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो अभी ये मशीन सभी बैंकों में नहीं आई हैं, लेकिन कुछ बैंक्स हैं जिनमें ये मशीन काम कर रही हैं और उसके थ्रू हम अपनी जो कैश है वो डिपॉजिट कर पाते हैं। मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कार्ड टू कार्ड फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये तो आपको पता भी होगा और ये प्रैक्टिकली अभी बहुत चल भी रहा है। कार्ड टू कार्ड हम फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सभी जानते हैं। चेक बुक की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, स्टेटमेंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आधार नंबर सीडिंग यानी कि ANS को कर सकते हैं। तो ये कुछ सुविधाएं हैं जो NFS हमें प्रोवाइड करता है। तो ये जो NPCI के दो प्रोडक्ट्स थे आज हमने डिस्कस किया और आई होप आपको समझ भी आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो एंड प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, थैंक यू।